फूले पिंड दे अंदर एक गुरु का सिख आ भाई जोत सिंह दा पुत्र दा नां रख्या भाई तारू सिंह। जवान होया 24-25 साल की उम्र आ, तुसी 22-21 साल दे बाई बाई नूं रोई जांदे जे 24 साल का जवान पुत्र कसूर नूं जाण वाला जिहड़ा राह आ उहदे उत्ते पिंड आए पूला नगर ब्यासा दरिया तो पार होने वाले सुदागर लोग आन जाने वाले जिहड़े लाहौर नूं जांदे ने इत्थों लंघ के जांदे आ। रस्ते विच पिंड होण करके ने गुरु के सिख ने मोटे मरलियां दा मालक सी, मरबियां च जमीन सी भाई तारू सिंह दी। जमीन विच जिहड़ा कोई अन्न धन पैदा हुंदा उह सारा दिन लंगर चलदा, आने वाले राही पांदियां नूं प्रशादा छकालदा। कोई नहीं वेंदा हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है ना, जो शरण आवे ते सकंठ लावे बिरद स्वामी संदा। जेड़ा भी आ जांदा उहनूं प्रशादा छकालदा। जे कोई आंदा मैं दूरों आया ते मैं दूर जाना मैनूं रात पै गई मैं रात इत्थे कट्टणी है, उहनूं मंजा बिस्तरा भी दिंदा, थक्या टुट्टिया जाण के उहदी रात नूं मुठ्ठी चाबी भी करदा। सवेरे जो उठदा उहनूं गर्म पानी नाल इशनान कराउंदा मौसम दे लिहाज नाल। सवेरे फिर आंदा तूं दूर जाना प्रशादा छक के जाई, रस्ते विच किते अग्गा पिछा हो जांदा ही, रोटी खवा भी दिंदा ते जाण लगे दे ना दो चार प्रशादे खद्दर दे पूने च बन के नाल आंदा, लै अपने परले दे लड़ बन लै जिथे भुख लगी गी, नाले साह लै ली नाले प्रशादा छक ली, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो तुहाडे घर च हुण मां प्यो नूं रोटी नहीं मिलदी, वो राहियां पांदी नूं रात भी रोटी खवाई है, सवेरे भी खवा के तोरी ते नाल बन के देंदा पिया राज भी खा ली। अज सिखां दे घर खुद सिखां नूं रोटी नहीं मिलदी पई, बहुते गुरु घरां विच रोटी नहीं पकदी है, लंगर की प्रथा बंद हो रही है। जे है तो लंगर रहा ही कोई नहीं, कितने बेंच कुर्सियां लगियां ने, असी तो दिन रात रौला पाने और लोको गुरु ग्रंथ साहब की झूरी चाहते हो जराबा ना पा के आया करो, गुरु दरबार में जराबा पा के लगे आते हैं, लंगर च जुतियां पा के फिर लोग रोटी खाई जाते हैं। तो जे लोग ना जो मंजी ते पाए होंगे ना दुखी होंगे आ, तो सफाइया दे कदे कोई माड़ा काम प्यो दादे नहीं किया, रब पता नहीं केड़े वैर लैन लगता, ना ना तुसा कानू माड़ा काम किया। रात नू देवी देवते आउंदे ने सारे माड़े काम वो करके सवेरे तुर जांदे आ, अपने वर्गा ते साध दुनिया ते जे जमे ही कोई नहीं है। दुनिया का कुल माड़ा काम बंदा करदा पिया ते अजे आंदा मैं कीता कख नहीं। गुरु दरबार च जराबा पा के आउंदे ने, लंगर च जुतियां पा के आउंदे, ते असीं ते रौला पांदे सौ गुरु दरबार दे अंदर ना। तुसीं हाथ जोड़ के बेनती है कुर्सियां मेज जिहड़े लाए चुके बाहर कढ़ो, ते लोकां की कीता है जिहड़ियां ते अंदर रखण वालियां चीजां सन ना वो ते बाहर कढ़तियां ने, जिहड़ियां बाहर रखण वालियां चीजां सन लोकी अंदर लै आया गुरु घरां च। की होया है? गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हजूर साहब जिहड़े 52 हुक्मनामे दिते ना कौम नूं, उहदे विच 13 नंबर हुक्मनामा है कि जदों कड़ाह प्रसाद की देग वरते उदों संगत अडोल बैठी रहे, नाम जपे कड़ाह प्रसाद का देग का गफा मिले, हाथ उच्चा करके मूंह तो उच्चा करके लवे ते सत करतार कह के छके ते मन नूं संतोख भी मिलेगा, मन शांत भी होवेगा, मन विच प्यार भी पैदा होवेगा, बराग भी पैदा होवेगा, ज्ञान भी प्राप्त होवेगा। ते जदों गुरु दी प्रसाद दी बख्शिश होगी फिर की मिलेगा? गुर प्रसाद भरम का नास, गुरु दी कृपा नाल मन चो भरम भी नास हो जाएगा। वो जेड़ी देग अंदर वरतनी चाहिए सी ते लोकां ने चुके काउंटर बना के बाहर कढ़ती, ते जे पुछिए भाई देग अंदर क्यों नहीं वरताउंदे, जी दरियां लिबड़दियां, तेरियां बाहां टुट जाण, तेरियां घर मोटरसाइकिल धोना कोई दुख नहीं, ट्रैक्टर धोना कोई दुख नहीं, गड्डी रोज धोन लगा होना कोई पानी नहीं खर्च हुंदा, कोई तेरा टाइम बथेरा हुंदा गड्डी धोन लई, घर दे कपड़े रोज धुपदे ने, कोई ऐसा घर है जिस कपड़े ना धुपदे होण, रोज धुपदे ने, बच्चियां दे होण, स्कूल वाले होण, सरदार जीआं दे होण, बजुर्गां दे होण, रोज कपड़े धुपदे ने, बस फट पैंदा गुरु घर दीआं जे महीने बाद दरनियां धोनिया पै जाण ते मनो पै जाती है, मरे पै जाती है।
ਤੇ ਅਜੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਦੀਆਂ ਐ। ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਿਆਈ ਕੀ ਸਵਾਹ ਧੋਣੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਦੇਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਰੋਟੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ, ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਲੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਖਲੋ ਜੋ ਅਜੇ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕੋਈ 10 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਆਖੋ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹਾਂ, 218 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ, ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕੱਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਆ ਕਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਗ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤੇ, ਸੰਗਤ ਅਡੋਲ ਬੈਠੀ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਹਿੱਲੇ ਬੁੱਲੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਜੀ ਨਾ ਡਾਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸਾਂ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਨਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੜਕਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੀ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸਾਂ ਅਗਰਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਮਾਈ ਦੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਮਾਈ ਮੰਜੀ ਵੀ ਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ।